I think we have a very special and privileged guest here, which is why there's been a little bit of a shuffle on the stage. We have Minister Sanjay Dhotre, who is the Minister of HRD, and he's joined us specifically because he heard that there was a great healthcare event. Sir, welcome. I think I'm the odd man here. जैसा कि हिंदी में अतिथि कहते हैं तो मैं आज सचमुच अतिथि की तरह आया हूँ क्योंकि अतिथि मतलब उसका कोई तिथि नहीं होती, कभी भी आ जाता। आज जिनके कारण मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला, ऐसे जिनका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, इस रिसर्च पार्क के सीईओ प्रोफेसर अशोक जी झुंझुनवाला, हमारे एआईसीटी के चेयरमैन अनिल जी सहस्त्रबुद्धे, मेहता जी, जॉस, मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और देश के कोने कोने से आए हुए जिनका मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, नाम है, ऐसे सभी मान्यवर, जैसी जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप होते गई हम सब लोग एक क्षेत्र में पढ़ाई करते थे, उसी क्षेत्र में काम करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसी डेवलप हुई तो उसमें कई नए सारे कंसेप्ट आए। जैसा एक मेडिकल इंजीनियरिंग आया, क्योंकि कोई अगर इंस्ट्रूमेंट बनाना हो, कोई मशीन बनानी हो, तो उसको अगर इंजीनियरिंग का भी नॉलेज होगा, मेडिकल का भी नॉलेज होगा, उस तरह की मशीन बनाएगा। और अभी पिछले करीब करीब 25-30 साल से एक नया कंसेप्ट आया, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो शुरुआत में तो ऐसा लगा कि ये कुछ खास लोगों के लिए है, लेकिन बाद में आम आदमी भी इसका यूज करने लगा और इससे सारे जो क्षेत्र है, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, रिसर्च, सब काम इसके कारण आसान हो गए। क्योंकि हम अगर इतिहास देखेंगे तो लाखों वर्ष में जो नहीं हुआ वो कुछ सदियों में हुआ, कुछ सदियों में जो नहीं कर सके हम वो पिछले 10-15 वर्ष में हुआ। पहले कोई चीज़ हम सुनते थे कि अमेरिका में जो हो रहा वो हमारे देश में आने के लिए 20-25 साल लगते थे और देश के कुछ बड़े शहरों में आता था, जैसा कि ये क्रिटिकल केयर यूनिट जो है वो कुछ साल पहले सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में थे और कुछ दिनों में वो बड़े बड़े शहरों में गए, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में गए और अभी कुछ तहसील प्लेसेस हैं वहाँ पे भी। अभी मेरा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है लेकिन हमारे यहाँ भी अभी एंजियोप्लास्टी हो रही, बायपास सर्जरी हो रही। तो मुझे ऐसा लगता कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, इसकी ये देन है। और इसमें अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा, अब न जाने इसमें क्या क्या होगा, क्योंकि अभी जो एक यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन, उसमें जो हमारे स्टूडेंट है, खास करके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उनको हमने कई सॉल्यूशन दिए, उसमें हेल्थ केयर भी है एक। तो उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका चेहरा देख के या उसके भाव देख के आपका
जो इमोशनल स्टेटस है वो जान सकते हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि किसके दिमाग में ऐसा होगा कुछ कि मैं अब चोरी करूँगा या किसी को मारूंगा, तो वो भी पहचान सकते क्या? वो बोले अभी तो नहीं, लेकिन कुछ साल के बाद में निश्चित ही ऐसा कुछ होगा। तो ये जो अलग अलग अभाव हमारे भी कुछ, ये सीढ़ियाक है, समीर है, तो आप लोग तो इसमें काम करते, मैंने थोड़ा सा, लेकिन मुझे जो पता चला मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक ऐसा उनका ये चल रहा है कि जो हमारा जो रेस्पिरेशन है उसमें से जो गैसेस निकलती है, अब आप लोगों ने इसमें तो बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो उससे कई डिसीज जो है उसका अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। तो ऐसी कई तरह की बातें हैं। अब आपका मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं इसमें बहुत ही अज्ञानी हूँ और मुझे ऐसा लगता कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें कुछ पता नहीं है, अगर हमको पता चले तो भी हम कुछ सीख सकते हैं। तो आपका ये जो इवेंट है, ये आपकी जो कॉन्फ्रेंस है, इसके लिए मैं जो आयोजक है उनको बधाई देता हूँ और हमारे देश का जो सबसे आखिरी वाला जो व्यक्ति है उसको भी इसमें से कुछ फ़ायदा मिलेगा, उसका जीवन जो है उसमें कुछ खुशी आएंगी। तो आप सभी जितने भी महानुभाव यहाँ पे उपस्थित है उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आपका इवेंट एक बहुत अच्छी शुरुआत हो ऐसी बधाई देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। It's a privilege, sir, for joining us. I understand he's also the Minister of Technology and Electronics, so it's even better that when we have somebody like Josh here to share the experience of the future of electronics in India, that it's special. But I think that you've got a very tight schedule, so what we will try and do is gift you something that is the latest of technology in a few minutes.